हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो में हम एक और स्वराज मूवमेंट देखेंगे जो कि होगा असम का। तो असम में क्या क्या हुआ था, वहाँ के लोगों ने स्वराज को कैसा ट्रीट किया, कैसा उसको समझा, तो इस बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और उनके मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ और सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, ये सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। तो वहाँ के जो वर्कर थे, प्लांटेशन वर्कर थे, वो क्या थे, उन्होंने महात्मा गांधी का जो मैसेज था स्वराज को, उसको अपनी तरीके से ट्रीट किया, उसको अपनी तरीके से वो समझे। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड, एंड इट मीन्ड रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। इसका मतलब क्या है कि जो प्लांटेशन वर्कर थे, उनका मतलब, उनका स्वराज का मतलब ये था कि वो जो कन्फाइंड स्पेस, यानी कि उन लोगों का जो काम करने का एरिया होता है, प्लांटेशन जो होता है जहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं, वो जगह से कहीं कभी भी जब उनका मन करे वो बाहर जा सके और अंदर आ सके, फ्रीली मूव कर सके। तो ये इनका स्वराज का मतलब था। ठीक है, और एक और क्या मतलब था, और ये एक मतलब था कि जिस गांव से वो आए हैं, जिस गांव से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ से उनका रिटेन रहे लिंक, यानी कि वो जा आ सके वहाँ अच्छे से, मतलब जब उनका मन चाहे वो अपने गाँव जा सके, ऐसा उनका स्वराज का मतलब था। लेकिन क्या था, लेकिन ये था प्रॉब्लम कि वहाँ के जो ब्रिटिशर्स जो थे, रूल वहाँ पर जो था, वहाँ पर वो लोग एक लॉ बना के रखे थे जिसको बोलते हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। तो इस एक्ट के अंदर क्या होता था कि प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। मतलब परमिशन के बिना वो टी गार्डन को छोड़ के नहीं जा सकते कहीं भी नहीं, और ऐसा परमिशन उनको बहुत ही रेयर मिलता था या ना के बराबर मिलता था। तो अब ये एक्ट के तहत उनको दिक्कत हो गया जाने में, अब वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो अपने विलेज से कांटेक्ट में नहीं रह सकते। तो क्या हुआ, उन्होंने जब ये सुना कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया है, ठीक है, ऑल इंडिया में, तो बहुत सारे थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज़, यानी कि वो मना कर दिए, मतलब वो सोचे कि अब हम भी इनको, जो ब्रिटिशर है उनका रूल नहीं मानेंगे, उसको रिफ्यूज़ कर देंगे, ठीक है, एंड लेफ्ट प्लांटेशन, प्लांटेशन को छोड़ दिया उन्होंने और वो घर की ओर निकल पड़े। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दे बिलीव डेट गांधी राज वॉज कमिंग। वो उन्होंने ये सोचा कि गांधी राज आ रहा है और उनको क्या होगा इससे, Everyone would be given land in their own villages. अब सबको अपने अपने विलेज में ही अपना अपना ज़मीन, लैंड मिल जाएगा जहाँ पर वो लोग काम कर पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, गांधी राज आया या उन्होंने, उनको कुछ मिला, देखते हैं आगे। तो क्या हुआ, they however never reached their destination. वो कभी भी उनको जो वो चाहते थे वो उनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि जब वो जा रहे थे, स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय अ रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। मतलब कि जब वो फंस गए थे, स्ट्रैंडेड मतलब कि फंस जाना, जब वो फंसे हुए थे रेलवे और स्टीमर के स्ट्राइक, इनकी हड़ताल हो रहा था वहाँ रेलवे का, ठीक है, स्टीमर का हड़ताल हो रहा था, तो वहाँ पर वो लोग फंस गए थे, जा नहीं पा रहे थे। तो वहाँ फंसे, फंसने के बाद क्या हुआ कि पुलिस उन्हें पकड़ ली और उनको ब्रूटली पीटा गया, यानी कि बहुत ही हार्श तरीके से मारा गया। ठीक है, और क्या, द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, यानी कि कांग्रेस जो थी उसके प्रोग्राम में ये असम का जो प्लांटेशन वर्कर का फ्रीडम था, इसके लिए कोई भी डेफिनेशन नहीं था। कांग्रेस वाले ये नहीं जानते थे कि वहाँ पर भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, इतना असम जो एकदम साइड वाला स्टेट हो जाता है, उसके वहाँ के लिए कोई, किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था उस टाइम। ठीक है, कांग्रेस का कोई भी डेफिनेशन नहीं था इसके लिए।
लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अपना स्वराज का मतलब अपने ही ओन वेज में समझा। दे इंटरप्रिटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, इमेजिनिंग इट टू अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। वो लोग इमेजिन करने लगे कि स्वराज का मतलब अब स्वराज आएगा तो सारा प्रॉब्लम, सारा दिक्कत जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड येट व्हेन द ट्राइबल्स चैंटेड गांधी जीज नेम, लेकिन जब गांधी जी का नाम लेते थे जो वहाँ के आदिवासी थे जो काम करते थे वहाँ, तो जब वो गांधी जी का नाम लेते थे चैंटेड यानी कि जब नाम लेते थे और उसके साथ वो लोग स्लोगन बोलते थे डिमांडिंग, जो डिमांड करता था स्वतंत्र भारत, ठीक है, तो वो इमोशनली कनेक्टेड थे। किससे कनेक्टेड थे? ऑल इंडिया एजिटेशन से वो इमोशनली कनेक्टेड हो जाते थे, ठीक है, क्योंकि वो सच में चाहते थे कि उनको स्वराज मिले, ठीक है। और गांधी जी को वो लोग मतलब रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे कि वही एक चीज़, वही एक है पर्सन जो ला सकते हैं। व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, जब वो महात्मा गांधी का नाम लेकर एक्शन करने लगे और लिंक देयर मूवमेंट टू डेट ऑफ कांग्रेस, और वो लिंक करने लगे अपनी मूवमेंट को कांग्रेस के साथ की कांग्रेस के साथ ही हम लोग ये कर रहे हैं, तो दे वर आइडेंटिफाइंग विद द मोमेंट विच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द इमीजिएट लोकेलिटी। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग ऐसे जगह से आशा ले रहे थे जहाँ पर उनके लोकेलिटी में है ही नहीं वो चीज़, वो लिमिट के बाहर है। कांग्रेस उतना उतने साइड स्टेट तक नहीं पहुँची थी, वो लिमिट में नहीं था उसके, है ना। तो वो लोग मतलब वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कांग्रेस से और कांग्रेस का नाम लेकर वो लोग मूवमेंट अपना कर रहे थे, जबकि और कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया था। तो यही सब प्रॉब्लम जो है होने लगा था, लोग अपने हिसाब से अपना मतलब समझ रहे थे और अपने हिसाब से मूवमेंट कर रहे थे, सब छोड़ रहे थे, तो ये वॉयलेशन होने लगा था, ठीक है, वॉयलेंस होने लगा था, मारने लगे थे लोगों को ब्रिटिशर्स लोग। तो इस वजह से क्या हुआ, महात्मा गांधी को जो अपना मूवमेंट जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो सोचे कि पहले लोगों को अच्छे से समझाना होगा कि कैसे उनको स्ट्रगल करना है, उसके बाद ही ये सब जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो ये भी एक रीज़न था, और भी मैंने समझाया है कि आंध्र प्रदेश में कैसा हुआ था, ठीक है, और अवध में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसा हुआ था, तो ये भी मैंने बताया है। और ये सब ही रीज़न था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो बंद हो गया, ठीक है, लास्ट में जाके। तो गाइस आई होप समझ में आया होगा, हालांकि ये मूवमेंट अभी सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, रीज़न बन गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ करने का। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय।